सर, सीएलजी की आज की मीटिंग में और जनसुनवाई में बहुत सारे मुद्दे निकल करके आपके सामने आए हैं। पहले तो उनके बारे में आप बताएं कि मुख्यतः कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो निकल करके आए हैं, जो कॉमन है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उभर के आया है वो है नशे का, स्मैक के प्रचलन का। और मेरा मानना है कि स्मैक का अगर प्रचलन ज़्यादा है तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी होते रहते होंगे। स्मैक की जहाँ पर भी सेवन की समस्याएं हैं वहाँ पर छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, क्योंकि जो तबका इससे अफेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो फिर वो किसी न किसी प्रकार के असामाजिक कृत्य में लिप्त हो जाता है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से जो नई टीम है यहाँ पर एसपी साहब की, और एसपी साहब खुद भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है, इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और लगभग जितने भी नशे का काम करने वाले उनकी डायरेक्टरी बनाई है, एक एक को चिन्हित किया है, थानेवाई चिन्हित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में मानता हूँ कि इस समस्या के ऊपर बहुत बड़ा बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देगा और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। इसके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित होगा। बच्चों के डी एडिक्शन की भी बात आई है, उसके लिए भी कलेक्टर साहब से मिल करके बात करके योजना बनाई जाएगी। इसके साथ यहाँ पर जो NDPS का व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई, जो 68 NDPS के तहत होती है, वो भी कार्रवाई करानी शुरू की जाएगी, जिससे कि जो वो लोग धन संचय करते हैं मादक पदार्थों के अपने व्यापार के माध्यम से, उसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसके अलावा यातायात की समस्याएं लोगों ने बताई थी, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने को लेकर के बात हुई है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे पुलिस काम कर रही है और मैं मानता हूँ कि भविष्य में उत्तरोत्तर परिस्थितियाँ और अच्छी होती हैं। अच्छा, हमारे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बजरी खनन का। लोग ये नहीं समझ पाते कि सर, बजरी खनन में ओवरलोडिंग को लेकर के हमारे चालान काटे जाते हैं, या मैं रवन्ना से अगर लेकर के आता हूँ नंबर एक में बजरी लेकर के आता हूँ, उसके बावजूद भी पुलिस अगर हमको पकड़ती है तो वो क्या कारण रहते हैं। एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि क्या वैध है और क्या अवैध है। जो भी अवैध है उसी को पकड़ रही है पुलिस, ठीक है ना। वैध को तो पकड़ने कोई मतलब नहीं है, वैध को क्यों पकड़ेंगे, जो चीज़ लीगल है। अब अवैध में ये है कि अगर आप बिना रवन्ना के, प्रॉपर जो इशू रवन्ना किया जाता है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बिना अगर आप लेकर के जा रहे हो, चाहे बजरी है चाहे पत्थर है, तो इलीगल है। और इलीगल है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कर रही है, और यही नहीं पूरे रेंज में कर रही है। उसके साथ साथ आप भले ही रवन्ना से लेके जा रहे हो, रवन्ना आपका है मान लीजिए 5 टन का और लेके जा रहे हो 15 टन, तो भी तो अवैध ही हुआ ना। तो जहाँ एक तरफ आपको लीगली उसको लेके जाना है, वहीं आपको जितने का रवाना है उतना ही लेके जाना है, उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो उसको भी पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस इसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है, और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। मीडिया का भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व बनता है कि सब लोग मिलजुल करके इस बात का माहौल बनाएं कि जो चीज़ें वैध हैं, लीगल हैं, सिर्फ वही अलाउड हो। एक आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव के दौरान पुलिस की क्या अहम भूमिका रहेगी? चुनाव में पुलिस की बहुत अहम भूमिका होती है, निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, किसी प्रकार से कोई किसी वोटर को डरा नहीं सके, धमका नहीं सके, प्रभावित नहीं कर सके, लोग अपने मतदान केंद्रों तक जा सकें और निर्भीक होकर के मतदान का प्रयोग कर सकें, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले, कहने का मौका मिले, ये सारी जिम्मेदारी जो है माहौल बनाने की वो पुलिस की है। तो सुरक्षा के संबंध में सारे दायित्वों को लेकर के भी आज की मीटिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो इंटिमिडेटर्स होते हैं, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, असामाजिक तत्वों के होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर के बात की जाएगी। जो हथियार होते हैं हमारे यहाँ, उसमें से जिनको इम्पाउंड करना होता है, जिनको जमा कराना होता है, वो सारी कार्रवाई को लेकर के भी बात की जाएगी। अच्छा, बरसों से एक चीज़ और है सर, कोतवाली या थानों में जो जब्ती के माल हैं, मोटरसाइकिल हैं, वाहन हैं, इनका जमावड़ा बहुत इकट्ठा हो गया और शायद थानों में उतनी जगह भी नहीं बची है, तो इसको लेकर के कहीं कोई पहल की जाए अदालत के माध्यम से कि भाई इनका निस्तारण किया जाए ताकि एक जगह तो मिल पाए थानों को? बिल्कुल किया जाएगा, और मालखाना निस्तारण के लिए जो जिला जज साहब होंगे उनसे एसपी साहब मिल करके बात करके रणनीति बनाएंगे और मालखानों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड अभी हाल ही में आपने आदेश जारी किए थे उनके गठन को जिला लेवल पर, उसमें क्या प्रोग्रेस है? स्क्वाड सभी जिलों में चल रहा है, ऑपरेशन अरावली सभी जिलों में चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र में भी हम लोग काम करें, इसमें कि CCTV कैमरे लगाने हैं,
और इसके साथ में चूंकि यहाँ गोकशी की समस्या नहीं है, नंदी प्रहार भी हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और ऑपरेशन एंटीवायरस जो कि साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ है उसमें भी काम कर रहे हैं, तो इन सारे ऑपरेशंस में काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको उसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। इन दिनों मिसिंग के केसेज भी ज़्यादा आने लगे हैं, छोटे बच्चों की मिसिंग का है, अमूमन मिल जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है। मिसिंग के केसेस सामने आते हैं और उसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार अभियान चलता रहता है। यहाँ के भी जो डेटा होंगे उसका हम विश्लेषण करेंगे और जो महत्वपूर्ण केसेस होंगे उसमें विशेष टीम बना करके प्रयास किया जाएगा। सर इसमें काफ़ी मालूम हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की भी है, लेकिन सर उसमें क्या है कि स्पेशल पुलिस वाले आपने उन पर भी कई बार आरोप लगे हैं अपने ऊपर। आरोप अगर लगेंगे किसी के भी ऊपर तो आरोपों की जांच होगी, आरोप गलत होंगे तो ऑब्वियसली उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, सही होंगे तो 100% कार्रवाई होगी। थैंक यू सर।